हेलो गाइस, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपना आरबीएल बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड बंद कराना चाहते हो तो आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड आप घर बैठे बंद करा सकते हो, वो भी एक कॉल पर। मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा किस प्रकार से आपको कॉल करनी है, किस नंबर पे करनी है और आपको क्या बोलना है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर अगर आप न्यू है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं, इसके बाद जब उस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस पे करने का मौका आता है या फिर उसका ज्वाइनिंग फीस लग जाता है या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पर वो क्रेडिट कार्ड को नहीं चला पाते हैं या फिर उनका खर्च बढ़ जाता है, अधिकांश समस्या देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि अब इस क्रेडिट कार्ड को मुझे बंद करा देना चाहिए, इससे मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं चला पा रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड बंद करा देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से हम खर्च बहुत ज्यादा कर देते हैं, आखिर हमें पे करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे सिविल स्कोर हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड बंद होता कैसे है। देखिए, क्रेडिट कार्ड को बंद कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट में। आप ब्रांच से बंद करा सकते हो या फिर आप इसे ऑनलाइन बंद करा सकते हो। तो अधिकांश लोगों के पास ब्रांच जाने का टाइम नहीं होता है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप आरबीएल बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अगर बंद कराना चाहते हो तो आप घर बैठे बंद करा सकते हो। मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड बंद कराया है, इसलिए ये जानकारी आपको प्रैक्टिकल मिलेगी यहाँ पर। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को बंद कराने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष करके ध्यान देना है, जैसे कि उस क्रेडिट कार्ड पर बंद कराने कोई चार्ज लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ये आपको पता कर लेना है। यहाँ पर दो कंडीशन निकल के आती है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया और अगर वो क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आ गया, आपने उसको एक्टिव नहीं किया, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एक रुपए का भी चार्ज आपको नहीं लगेगा और आपका कार्ड बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड को खोल लिया, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग प्रकार से कंडीशन आती है कि 45 दिन के अंदर आप अगर बंद कराते हैं तो फ्री में बंद हो जाएगा, या फिर उस क्रेडिट कार्ड पर अगर कोई ज्वाइनिंग फीस है तो आपकी ज्वाइनिंग फीस कट जाएगी इंस्टेंटली, आप जिसे एक्टिव करोगे और आपकी ज्वाइनिंग फीस कट जाएगी। और क्रेडिट कार्ड को बंद कराने से पहले आपको सारी की सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी है कि इस क्रेडिट कार्ड को बंद कराने का क्या चार्ज है, क्या चार्ज नहीं है। आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए सबसे पहले आपको इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर हमारी वेबसाइट मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दबाना पड़ेगा 222, यानी 3 बार 2, इसके बाद आपको दबाना पड़ेगा 9। आईबीआर अगर यहाँ पर चेंज हो जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर जाकर के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बात करनी है उस नंबर पे कॉल करने के बाद। इसके बाद आप लोगों की बात क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में होगी तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना चाहता हूं, मुझे इस क्रेडिट कार्ड को बंद करना है। अब आपका रीजन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करना नहीं चाहता हूं, मेरा मूड नहीं है, तो बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं। या फिर आप बोलिएगा कि मैं इसकी ज्वाइनिंग फीस नहीं पे कर सकता हूं या फिर इसकी एनुअल फीस पे नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार से जो भी आपकी यहाँ पर कंडीशन है, जो आपको जो प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड को ना चलाने की, वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इतनी बात बोलते ही यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की रिक्वेस्ट है वो कस्टमर केयर द्वारा ले ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा, अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर 48 घंटे के अंदर एक कॉल आएगा जो कि क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से होगा, आरबीएल बैंक के जो क्रेडिट कार्ड क्लोज करते हैं फाइनली उस डिपार्टमेंट से होगा। तो यहाँ पर वो लोग आपके पास कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वहां से आपसे बिल्कुल पूछेंगे कि भाई आपको क्या परेशानी है, आप क्रेडिट कार्ड को बंद क्यों कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ज्वाइनिंग फीस पे नहीं कर पाते हैं, एनुअल फीस पे नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको कोई और समस्या है क्रेडिट कार्ड का, कोई यहाँ पर सर्विस पसंद नहीं आया, तो आप वहां पर बताइएगा। जहां तक कोशिश होगी कि वो लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आपको क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू यूज करने के लिए वो मनाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मैं क्रेडिट कार्ड को चला सकता हूं, तो आप चलाइएगा। लेकिन आपका फाइनल अगर मूड नहीं है कि मुझे बंद ही करना है, तो जैसे ही आप इतना बोलेंगे कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहता हूं और आपकी क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की रिक्वेस्ट यहां पर ले ली जाएगी, क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा और इसकी जो एनओसी है आपके मेल आईडी पर आपको भेज दी जाएगी। इसके बाद आपके सिविल स्कोर से भी इस क्रेडिट कार्ड को रिमूव कर दिया जाएगा। सिविल स्कोर से रिमूव होने में आपको कम से कम 45 दिन का टाइम लग सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। आरबीएल बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड बंद कराना चाहते थे तो ये प्रोसेस है। एक क्रेडिट कार्ड मैंने भी यहाँ पर बंद कराने का रिक्वेस्ट डाला था, इसलिए मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।